हरियाणा अंचल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष कौथ की राम राम। साथियों आज अमरलाल थोआ जी हैं इनके पास। हाँ, और इस आंदोलन में देखा कि 9 महीने हो गए आंदोलन चल रहा है और लगातार आंदोलन में छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग, चाची ताई दादी सभी देखने को मिल रहे हैं इस आंदोलन में लगातार। और एक छोटा सा बच्चा है अंगद, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको भी इतना पता है कि कानून से क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है। और उसी प्रकार अपने पास एक छोटी गुड़िया है, ये भी लगातार आंदोलन में इसका दादा के साथ है, लगातार आंदोलन में जावा है, इनका पूरा परिवार जावा है। तो इस गुड़िया तो पहले बात करांगे, क्योंकि ताऊ तो बाद में बात करांगे कि बच्चिया ने भी पता इसके बारे में कि क्या कानून है क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, क्योंकि ये भी लगातार देखने लग रहे आंदोलन में जाकर ने। अभी 15 अगस्त जो ट्रैक्टर परेड थी जींद में, तो उसमें भी ये गुड़िया थी इनके दादा के साथ है। तो लगातार आंदोलन में जो भी गतिविधियाँ हो रही है, जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो उसमें बच्चे भी बुजुर्ग भी सभी हैं। तो बच्चों में भी हौसला है, जो कानून आए हैं ये भी नारे लगाते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं है, जब तक हम सरकार नहीं मानेगी हम वापस नहीं जाएंगे। तो इनके जो माँ बाप दादा दादी सिखावे हैं तो वही देखने मिल रहा है। तो ये गुड़िया इससे बात करांगे। गुड़िया क्या नाम है? प्रीत। प्रीत कितने साल की होगी? 10 की। 10 की कौन सी क्लास में है? 6ठी में। किसान आंदोलन में जाया करें? हाँ। कितने दिन से जावा है? जब से आंदोलन चल रहा है। तो क्यों जाओ आंदोलन में? कानून उल्टे करने हैं। उल्टे क्यों करवाओ कानून? सही क्यों को नहीं? सारे काले कानून उल्टे कराने हैं। काले कानून उल्टे कराने हैं तो इनका नुकसान आपने? हाँ। आपने क्या बताया इनका नुकसान है? आप तो छोटे से बच्चे हो। दादा दादी बताते हैं। अच्छा, आपके दादा दादी मम्मी पापा बतावे काले कानून है तो इनका आपने नुकसान है। और जब रेल रोकी थी तो आप गए थे वहाँ रेलवे ट्रैक पर? हाँ, गए थे। तो रेलवे ट्रैक पर बैठे थे आप? हाँ। डर नहीं लगा रेल आवेगी? नहीं। डर क्यों नहीं लगा? रेल वाले तो रोकते भी नहीं आगे कोई आजे तो। पता है कि आगे दादा दादी हैं, कुछ नहीं करने देंगे। दादा दादी है भाई, कुछ नहीं होगा है। तो आपको डर नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा? नहीं। देखो भाई, छोटी सी लड़की है, 10 साल की है मात्र, और ये जब रेल रोकी तो रेलवे ट्रैक पर बैठी थी, तो इनको डर नहीं लगा रेल क्योंकि सभी डरा भाई, क्योंकि रेल रुकती नहीं है कि रेल आ गई। लेकिन इस बच्ची में इतना हौसला था कि मेरे दादा दादी मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो छोटे बच्चे में भी हौसला देख लियो आप कि कितना हौसला है, इस आंदोलन में देखा है। तो ताऊ जी इनसे बात करांगे। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। और ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक। 9 महीने हो गए जी आंदोलन चल रहा है। हाँ जी। तो जी क्या कुछ प्रभाव पड़े अब तक? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। एक तो दो कानून तो ये अपना आप ही नुकसान उल्टे कर दिया हैं। एक तो वो लगाया था बिजली वाला, चिप्स लगावांगे वह, इतनी बिजली मिलेगी जितनी फूकोगी, वो हटा लिया। एक वो लगा दिया कॉन्ट्रैक्ट वाला हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट का और लगाया था। अगर भाई तुमने मीटर लगाना पड़ेगा, जो दो पशु रखोगे, दो पशु तो होंगे, जे गाय भी आओगी बाछा देगी भी बाछी, मैंस भी आओगी काटा काटी देगी, उस बिना दूध नहीं देवे। अरे इनका कानून था भाई एक रखो, अडानी अंबानी का था नहीं, एक रखो। एक तो रखे नहीं सके थे, फिर वो मीटर लगवाना पड़ा था। दो कानून तो ये कमे हैं भाई, हमने उल्टे अपना आप ले लिया, हमने कहा भी नहीं। हमें तो पहला कमाते भी तीनों कानून उल्टे ले और गारंटी दो एक लाइन की। तो बात न्यू है, पत्रकार महोदय सारी चीज माचिस हो लिखा है, MRP 1 रुपया, सब ठंडी की मिल रही है। फैक्ट्री वाला तो छोटी फैक्ट्री लगा रहा है, 1 रुपये की तक कम नहीं बेच रहा। हमें गेहूँ लेके जावा, चना लेके जावा, कपास लेके जावा, वहीं न्यू चुंडे देंगे जो हमारे दुश्मन हैं। ये हमारे दुश्मन हो गए, पहले तो हमें लगा दिए उठा दिए हवा भर दी, फिर न्यू है किसानों में एक बार हवा भरी गई नी वाली कीड़ा को नहीं कर दी। हम इनकी काट के छोड़ेंगे जुन से गद्दार पास हट गए, नहीं तो आड़तिया ने हमारा पूरा सहयोग करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए इन्हें। जो ये कर रहे हैं नहीं गड़बड़ सर पर, खार का कट्टा ले जाए पुराना और या दवाई ले जाए, तो वो बात है। फैक्ट्री की तो कोई भी चीज़ है उस पर MRP लिखा पावे है के लिखेंगे, 1 cc तेल की लेने लगा उस पर लिख क्या है, अगर भैया 90 रुपये की है उसमें ऐड करी वाले, एक रुपया कम नहीं देंगे, 90 की मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा दुकानदार ने जो लेस है। हमें तो नून्ना भी मार रखे हैं। हमें मन खतर तैयार हाँ। एक बात मरे गए जो सरकार है नहीं, हमने इतना तंग कर रही है, हमें भी कुछ मांग भी नहीं रहे।
वो तो धक्का देवे भाई कानून ले लो तभी दुगनी आय कर लो, आय दुगनी होंगी दुगनी मारी तो घटा है। ये तो उल्टे बांस बरेली ने ले जे हैं, बरेली तो बांस आया करते उल्टे ले जे हैं। फिर रही बात एक और बताऊंगा आपने, ये कोई भी चीज़ है सारी उल्टी कर रही हैं, पता नहीं या सरकारें उल्टी है कच्छाड़े की, पता नहीं क्या कर रहे हैं। झंडा गांवों में फहराने लग रहे हैं, तिरंगा झंडा तिरंगा झंडा है। नागपुर में इनका मुख्यालय है, वहाँ आप आज भी जाके देख सको पत्रकार महोदय, इनका वो झंडा नहीं लग रहा, आरएसएस का लग रहा। ये भी आप अच्छा लगाई थी नहीं मोमबत्ती या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इनका विलय होया था उस दिन जिस दिन मोमबत्ती जलाई। फिर पछत मेरा पटिया मैं क्या ना जलावा यार मेरा साला की मोमबत्ती छोड़ी चौथ, कोई कहो दिए ला दो, कोई कहो ताली बजा दो, कोई कहो थाली बजा दो, ये तो बंग कर रहा है हमने। एक और रात का अंधेरे में कानून ले आया, ना राज्यसभा में पास करे ना लोकसभा में पास हो, धक्काशाही हो रही है। और एक और किसान से न्यू कहते नहीं अगया रहा बाज पाला देशद्रोही, देशद्रोह का क्या समझते हो, देश के साथ कोई गद्दारी करता हो, देश को भी फोट करता हो, देश को अलग करता हो, उसका नाम होता देशद्रोह। तो मतलब जो बीजेपी के नेता यही देश बन गए बस ये देशभक्त है और कोई देशभक्त नहीं। देशभक्त तो वो लोग हैं जो गर्मी सर्दी अरे पत्रकार महोदय में खटखट बैठे हैं, ओड़े रोड़ी भी गड़े हैं हमारे, ओड़े सांप भी आ जाए कीड़ा भी लड़ जाए, इन निर्दय नहीं इन नहीं अब ये अन्नदाता उरे बैठे हैं, इनके बच्चे तो बॉर्डर पर बैठे अन्नदाता रोड पर बैठे, वहाँ फौजी ओड़े बैठे बैठे रो हैं माँ बापा ने देख देख के। और पत्रकार महोदय एक बात होगी नहीं जे उनने थोड़ी ही न्यू छोड़नी कर दी मिलिट्री तो नौकरी छोड़नी शुरू कर दी तो न्यू नहीं पता मोदी कहाँ जाएगा, ये उन्होंने कहने झोला ठाके बाज जूंगा, झोला ठाके बाज जूंगा, ये सारे बाज जाएंगे झोला ठाके। और बजा भी दिए 5-5 किलो दाने गले हुए सड़े हुए और झोला 150 रुपया का। और फोटो उस गद्दार की उचाण वाले की मर लगी, मर लगेदार की भी फोटो होता है ऊपर मोदी सुसरा फिर खट्टर उसकी बहू फिर वह छोटी बहू। क्या ऐड कर रहे हो जो ये उन्हें थैले अपनी फोटो लगाई है, क्या ऐड कर रहे हैं जो अपनी फोटो लगा रहे इस पर जो थैले को ये और ऐड है और क्या है। मैं सोचेंगे भाई ये ओड़ा जाके रामफल पर गए ओड़ा तो सौदा ले आवेंगे उसमें गल के रामफल और ना तो जला दिए पहला ही ओड़ा तो लिए नहीं इकट्ठे लेके गए थे। एक तो मैंने देखा उरे हरिजन भाई मारे बड़ा अच्छा आदमी है उसी उरे चौक में लेकर दीवा सड़ाई ला दी उसकर कट्टे में गल दीवा सड़ी हुई क्यों और दिखाई मरता सड़ी हुई क्यों है पत्रकार महोदय जी तो हमने दिखाया था नहीं तो हम तो फिर नुकोगे ये तो ना ये तो किसाना के हैं मारे को नहीं। अरे वो आई टी सेल है नहीं आई टी सेल है महाराज ने पत्रकार ने है नहीं है जिनसे फैल कर दी उनकी आई टी सेल जो झूठ बोला है तड़के तड़के से हम तक एक चीज ना बढ़ावा दे दे है। अगर मोदी बहुत बढ़िया है झोला बहुत बढ़िया दिया इसमें सामान ले आवेंगे इसमें क्यों तो भरके कौन दी चार दड़ी का झोला 5 किलो दाने या कोई अच्छी बात थी। और प्रधान जी खटखट टोला जो विदेशों में भी चर्चित रहा है फिर जो कमेटी थी वो कमेटी क्यों भंग कर रही है और आगे कब कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी छोटी थी 35 सदस्य थे 35 गांव के लोग थे 105 गांव हैं सारे आने लग गए तकरार चली चर्चा हुई अगवाई 105 गांव आने लग रहे टोल पर अरे ये 35 मेंबर बना रखे क्यों भाई ये गणे हैं ये गणे अच्छे हैं क्या गाँव में पाछे तामे को नहीं आते हाँ पाछे। तो अनीश भाई ने और पहलवान जी ने सलाह करके संयोजक दोनों छोटे बड़े तो सलाह करके भाई कमेटी 105 गाँव की बनावांगे और जो 5 आदमी नाम दे के आओगे नहीं एक आदमी का वही नाम ऐड होगा। मतलब कि गांव के लोग अपने गांव का आदमी ने देंगे कि भाई इसको हाँ, कमेटी में भाई मार है तो मनजीत ने बना दो कोथाले आ गए 10 आदमी तो वही मंजूर होगा ना कि अपने आप कोई लिखा देगा। गांव के लोग जिसको पसंद करते हैं नहीं उसी को लिखाएंगे। मैं कल गया था गांव के 10-12 लोग थे मैं बोला भाई तू लिखा दे तेरा नाम लिख ले
ओनीस बोलिया चाचा तो लिखा मैं ना यू लिखवाओगे। उन्हें सारे 10 के 10 बोले प्रधान जी आपका नाम लिखा जाऊगा, मेरा नाम लिख लिया उन्होंने। मैंने दूसरे की डिमांड करिए नहीं क्यों, मैं दूर बसा हाँ, यहाँ से 24 किलोमीटर जाना आना, पत्रकार मुझे सबके बस की बात नहीं, नो भी नहीं जावा हाँ आवा हाँ, ये बच्चे भी गए हैं, ये गए छोटे छोटे, पोता भी गया है, और 500 सदस्य ने अनशन रखा, और जैसा भी सहयोग है टूटे फूटे हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। और एक 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान की महापंचायत रखी गई है, तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? 40,000 ट्रैक्टर जाएंगे हरियाणा तक, और पंजाब का तो अंत ही नहीं। 40,000 ट्रैक्टर बहुत हो जो हैं, कहने की बात है वैसे, 40,000 आप गिन लियो, जैसे 10,000 जींद में थे, इन्हों कहते नहीं 1,500 जाओगे, 10,000 गए शांति तक, गए शांति तक आई, न्यू है मुजफ्फरनगर शांति से जाओगे, शांति से आवेंगे। और जो कोई भाई रोकने की कोशिश करेगा नहीं, रुका नहीं गे, किसी कीमत पर नहीं रुकाएंगे, पंचायत में जावा जावेंगे। ये मुजफ्फरनगर की पंचायत महापंचायत होगी, विदेशों के सारा अपनी एशिया में नाम होगा उसका। और ये लोग देख रहे हैं विदेश वाले वह किसानों के साथ कितनी दुर्गति करके कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये। तो जिस तरह से बंगाल में किसानों ने महापंचायत करी थी, हाँ, तो बंगाल में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो आपको लगा यूपी में जो महापंचायत करें किसान कि उससे यूपी में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा? बंगाल में धूम उठाया, बिल्कुल पूरा धूम उठाया, आमे गए 10 दिन कुछ समझ में नहीं आया, भूखे बने जैसे थे नहीं, रोटी मारे जैसे पसंद की बनाते थे वो, फिर भी एक आधी बार कौन ही बने थी हैं। तो हमने जितने पत्रकार आप जैसे मिले नहीं, वहाँ एक पत्रकार है उसका नाम तो भूल गया मैं, 6,000 किसान जा रहे थे, अरीब 60,000 रहेंगे यूपी में, 6,000 जा रहे थे, पूरे 60,000 रहेंगे, मुख्य मुख्य सहनी जो आप जैसे वो 60,000 रहेंगे, और ओड़ा तो मठाया था उड़ा आग बढ़ाएंगे। तो कितनी संख्या में किसान शामिल होंगे जो महापंचायत होगी? महापंचायत में नू नहीं पता भैया, अंदाजा ये सही बात बता रहा हूँ भाई, 1 करोड़ आदमी नहीं पहुँचे, ऐसा अरेंजमेंट है जो जहाँ वो टेंट लगा रखे हैं, टेंट से दूर दूर तक सारा ही खाली कर दिया, हम देख के आए हाँ। और उन टेंटों के लिए हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, झारखंड का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का और पंजाब का अलग है, तो खाना पीना भी अलग अलग बना रखा है हमने, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लगा रखे हैं, इतना अरेंजमेंट कर रखा है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा। तो जो यूपी मिशन शुरू कर दिया किसानों ने कि यूपी में बीजेपी को हराना ही है, जो मिशन था किसानों का, तो पूरे देश के किसानों में रोष है, पूरे देश के किसान वहाँ पर पहुँचेंगे। पंजाब होगा तो उसमें किस तरह से आप है? पंजाब में हम दोनों पार्टियाँ ना रहेंगे, कांग्रेस ने भी रहेंगे, बीजेपी तो हार रही है, और बादल ने भी रहेंगे, अलग से भाइयों की सलाह है, अलग से कोई पार्टी आएगी, अलग से पार्टी बनेगी, अलग सरकार बनेगी, किसानों की बनेगी या मजदूरों की बनेगी, वो तो वक्त आने पर ही बताई जाएगी भाई कि कौन सी पार्टी का समर्थन होगा और किसको बनाएंगे। जो ये तीनों पार्टी हैं इनसे तो अलग है किसान, पंजाब का भी हरियाणा का भी सहयोगी भी जितने हैं सारे अलग रहेंगे। ठीक है जी, प्रधान जी से बात करी है, और आपने पूरी वीडियो देखी है, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सभी इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो आपने क्या कुछ विचार लगे आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे दियो, और वीडियो अच्छे लगे हो तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।